हम आज बात करने वाले टिकटॉक पे माधुरी दीक्षित के साथ किस प्रकार आप वीडियो बना सकते हैं। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हो, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक और आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक में काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ बताता हूँ इस तरह के वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह के वीडियो आपको शूट कर लेना है। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको 50% पार जो है आपको खाली रहना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव आप कर सकते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। हमने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है आपको रिमूव कर देना है। सबसे पहले 20 सेकेंड के आसपास वीडियो को ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ। वीडियो पर क्लिक करना है और लास्ट तक आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। इसे प्रेस करके रखना, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो वीडियो हमारा देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया। तो आपको 21 सेकेंड के पार्ट को आपको ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इसके बाद फिर से भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर पर क्लिक करना है और कलर की आपको यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको सही तरह से एडजस्ट नहीं होता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग हमारा हो चुका है। वीडियो पे क्लिक करना है और इसे हमें इस तरह से जूम कर लेना है और आपको सही तरह से एडजस्ट आपको यहाँ से कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। पर मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ लगभग तैयार हो चुका है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, स्ट्रैक आइडियो कर देना है। इसमें से क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। तो वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो जब भी आप अपलोड करेंगे तो टिकटॉक के साउंड पर ही आपको अपलोड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइक एंड व्यूज आने का चांसेस ज़्यादा होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।